2 दिन पहला खन्ना दे उत्तम नगर च इस बुजुर्ग बेबे जो घर दे बाहर बैठी सी नाल लुट दी वारदात हुई सी। ए लुट बेबे कमलेश राणी नाल उस वेले हुई सी जदो सवेर दी सैर करके अपने घर दे बाहर आराम कर रही सी। तो दो मोटरसाइकिल सवार आउंदे ने ते उस दियां वालियां चपट लैंदे ने। बेबे इस मौके जदो रौला पाउंदी है तो उस वेले तक दोवे मोटरसाइकिल लुटेरे फरार हो जांदे ने। हुण खन्ना पुलिस ने ना शातर लुटेरियां बारे वड्डा ते हैरान कर देण वाला खुलासा कीता है। असल च लुट दी वारदात नूं अंजाम देण वाले दोवे लुटेरियां दा खून दा रिश्ता है। इह दोवे आपस च प्यो पुत ने जिन्हां ने मिलके बुजुर्ग औरत नाल शर्मनाक काम कीता है। पुलिस ने दोवां नूं काबू करके बुजुर्ग माता दियां वालियां भी बरामद करन दा दावा कीता है। कल एक बड़ी मंदभागी घटना होई सी कि सवेरे एक बुजुर्ग लेडी बैठे सीगे ते दो व्यक्ति जिहड़े कि अपने आए सी गन पछाते उन्हां ने एक लेडीज़ दियां कन्न तों बड़ियां बेदर्दी दे नाल वालियां खोईयां सीगियां। तो इनू मौके नूं देखदे हुए इस घटना नूं बड़ा सीरीयसली लैंदे हुए कल SSP साहब ने स्पैशल टीम बनाई सी तो जिहदे च DSP डी मनमोहन सरना ते साडे CI इंचार्ज गुरमेल सिंह इंचार्ज सीगे। उन्होंने टैक्निकल इन्वैसटिगेशन करते हुए तो अपने सोर्सिस के थ्रू इन्हां बंदे दा बड़ी जल्दी पता ला के दोनों असीं गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों एक हैगा बलजिंदर सिंह एक हैगा गुरप्रीत सिंह। बलजिंदर सिंह फादर है तो उन्हां दा बेटा गुरप्रीत सिंह है। ये दोनों ही लुटखोह दीआं वारदातां करदे ने। इन्हां दा पहलो भी वैसे रहण वाले खमाणो दे ने हुण खन्ने शिफ्ट होए ने थोड़ी देर तो ते खमाणो भी इन्हां दे पहलो आर्म्स एक्ट दा ते चोरी दा परचा दर्ज है। ते फर्दर असीं इन्वैसटिगेट कर रहे हैं भी हाँ भी ये की कर रहे मतलब इन्हां ने होर भी कई जिन्ना कि सानूं दस्सिया वह तो हले साडा प्रीलिमिनरी इन्वैसटिगेशन च आया है कि फर्दर हले देखांगे भी इन्हां दा की इन्हां दे लिंक्स ने जां कोई होर मैंबर है भी इन्हां ने कितें होर वारदात की हो पर नोटिस आई हो अननोटिस चल गई होने कोई अटैम्प्ट किए हो उन्होंने असं डीपली देख रहे हैं। गुरदेव सिंह मैं गुरदेव सिंह मैं तो जाती नहीं किसी दूए ने आके मेरे कन्ना हाथ ला लिया। दो जने थे एक मोटरसाइकिल लेके खड़ा रहा एक ने जोड़ा रोडा थी उन्हें बालियाँ खोलिया मेरी ना कोई एक ने बार उड़े हुए थे कोई बाहर आया नहीं ना फिर अंदरों बहू आई हाँ जी इतने मैं रोंदी थी रोला पाया। मेरे माता जी मतलब सुबह निकलते हैं रोज 6:30-7 बजे तकरीबन बाहर गली सैर सूर कर निकलते हैं सवेरे निकले माड़ा गेड़ा गूड़ा कट के ना साढ़े मतलब नाल ही इतने चेयर रखी हुई है कमेटी वाले की उत्थे बैठ जाते हैं आराम करने लिए 2 मिनट लिए और बैठे दो बाइक पर सवार दो मुंडे आए कोई तो उन्होंने कोई मतलब या कुछ पूछा या कुछ किया उन्होंने कन्न दियाँ इसे दौरान ना कन्न दियाँ बालियाँ उन्होंने उतारनिया उतार के मतलब नाल ही लैके उतों भज गए। उतो माता जी की उम्र कोई 75 साल की अक्सर सुन चाहता जी कद मतलब 2 महीने पहला भी मतलब साढ़े पड़ोसी अगे थोड़ा ही दूर रेंदे उन्होंने भी माता जी नाल मतलब इदा ही सेम यही वाकया होया पुलिस मतलब रिपोर्ट दे के आए हैं पुलिस वाले खुद आए सी घर साढ़े घर CCTV वगैरह लगे हुए उन्होंने वो लैके गए ने कॉपी वो नहीं शक नहीं जी पहली बार देखे बंदे मतलब नहीं पहचान चाह रहे पर कहें कार्रवाई करा असं लग के देवे बंद तो अं कहने जे बेलड़ फिरते हैं या जे मतलब नहीं वो कर सकते उन्होंने लभ के पुलिस कोई बन की कार्रवाई करे इदा मतलब बजुर्गों तंग ना करे जाए हो सकता कोई अनहोनी भी हो जाती इन्ना बचाव हो गया भी उन्होंने कोई सट पेट नहीं लगी। सो हुण देखण वाली गल ये रहेगी कि इन्हां बेशरम प्यो पुत तो खन्ना पुलिस आने वाले समय च शहर च वख वख थावां ते होईयां होर केड़ियां केड़ियां वारदातां नूं मनाउण च कामयाब रहिंदी है। हकीकत टीवी पंजाबी लई खन्ना तो रविंदर सिंह ढिल्लों की रिपोर्ट।